सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी। समय हो गया है यूपी की बड़ी खबरों से आप सभी को रूबरू कराने का। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका संजय गांधी ने आज अपने सुल्तानपुर दौरे पर पहुंची हैं, जहां उन्होंने लंबू और कोइरीपुर नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण अग्रवाल, विजय प्रताप त्रिपाठी और सीमा साहू के समर्थन में वोट मांगे हैं। गांधी ने कहा कि हर माँ चाहती है कि उसका घर साफ सुथरा और सौंदर्य से भरा हो, जिसके लिए मतदाताओं को भाजपा प्रत्याशियों को जिताना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार के बाद नगर निकायों में भाजपा की सरकार होने से विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। कानपुर में चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। हर प्रत्याशी जीत के लिए नए पैतरे आजमा रहा है। कुछ ऐसा ही अलग पैतरा एक प्रत्याशी ने आजमाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर के वार्ड नंबर 45 की। यहां से अर्पिता यादव को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन निर्दलीय पर्चा भरकर एक चौंका देने वाला फैसला इस दौरान उन्होंने उठा लिया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों सपा जैसी बड़ी पार्टी का साथ मिलने के बाद भी अर्पिता यादव निर्दलीय दावेदारी ठोकती हुई चुनावी मैदान में नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर बहुत सब पार्टियों ने अपने अपने दावे जो हैं वो लगातार जनता के बीच में अपने सारे मुद्दे जो हैं बताते चली आ रही है, पर वही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कानपुर जो है वो भाजपा का अखाड़ा रहा है। अगर देखा जाए बीते 28 सालों से रिकॉर्ड रहा है कि भाजपा का कब्जा कानपुर में यहाँ पर पद पर हमेशा रहा है लगातार, और उसके बाद बात करी जाए तो कानपुर 110 वार्ड आते हैं, 110 वार्ड में समाजवादी पार्टी ने अपने सारे नेताओं को उतारा, पर वही कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो पार्षद दिख रहे हैं वार्ड 45 से अर्पित यादव, उन्होंने उनको समाजवादी पार्टी जो देखा जाए समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं जो हैं अखिलेश यादव और उसके जो प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल के करीबी माने आने वाले अर्पित यादव जो हैं पूरी तरीके से जो है चुनाव का बिल्कुल फूंक दिया। पर वही कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा के आगे समाजवादी पार्टी जो है नतमस्तक नज़र होती चली आ रही है, क्योंकि वार्ड 45 से सिंबल मिलने के बाद उसके बाद देखा जाए तो हमारे साथ जो वोट दिखाते हैं अर्पित यादव जो हैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूजन सभा जो कानपुर ग्रामीण इलाके और राष्ट्रीय खिलाड़ी जो एडवेंट मिलते हैं और सदस्य जिला योजना समिति के भी हैं, और वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिंबल मिलने के बाद अगर देखा जाए तो अर्पित यादव जो है पूरी तरीके से अर्पित यादव जो है निर्दलीय लड़ने का मतलब क्या है, अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अर्पित यादव जो है इस चीज़ को लेकर इनके मैदान में ऐसा था कि शायद हो सकता कि वार्ड 45 जो है समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ पर जो है पूरी तरीके से नहीं एक्टिव हो सकती थी, या तो फिर कोई राजनीति का और खेल है, क्योंकि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी से बहुत करीबी माने जाते हैं बंटी यादव के संपर्क में रहे हैं अर्पित यादव, और देखा जाए कहीं ना कहीं नेता सदन में भी देखा जाए समाजवादी पार्टी के जो उसमें हैं उसमें सदन में भी रहे हैं समाजवादी पार्टी से, पर देखा जाए तो निर्दलीय चुनाव लड़ना एक देखा जाए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आगे समाजवादी पार्टी आगे नस्पत्तर नजर आ रही है। कैमरा विनय साथ उपेंद्र साना कानपुर। खबर गाजीपुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने आज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया है। बता दें कि गाजीपुर की 3 नगर पालिकाओं और 5 नगर पंचायतों के लिए 4 मई को मतदान होना है। गाजीपुर में नगर निकाय चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन था, जिसमें सभी प्रत्याशियों ने प्रचार के आखिरी चरण में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इस दौरान बीजेपी की ओर से सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया, और रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जोश भी देखने को मिला। और बुलडोजर बाबा ऐसे ही छापते रहे तो चुनाव कोई भी आए कमल के निशान पे ही मुहर छापते रहे, और ये जो चुनाव है नगर पंचायत का इसमें अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं इनको प्रचंड मेहनत से आप जिताइए, क्योंकि आप देख सकते हैं जहां कमल खिलता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसती है। खबर लखनऊ से है, जहां ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंटर स्कूल जिला चैंपियनशिप में ग्रेट ताइक्वांडो एकेडमी के बच्चों ने भाग लिया है और कई मेडल भी जीते हैं। वही ग्रेट ताइक्वांडो एकेडमी के प्रतियोगी बच्चे
को लखनऊ जन कल्याण समिति के उपाध्यक्ष और समाज सेवी विवेक शर्मा ने गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रतियोगी बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाकर प्रमाण पत्र भी दिया। उन्होंने बताया कि आजकल बच्चों के खान पान के साथ साथ उनके शारीरिक क्षमता पर खास ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही आजकल के परिवेश को देखते हुए बच्चियों को अपनी सुरक्षा के प्रति स्वयं ही तैयार होना आवश्यक है। हाँ, यहाँ पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सेकंड इंटर स्कूल चैंपियनशिप हुआ था, तो इसमें हाँ, बच्चों ने मेडल जीता है। तो किस तरीके से सिखाते हैं हम बच्चों को सुरक्षा करने? इनको सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं हाँ, जिसमें ये अपने आप को सुरक्षा कर सके, उसके बाद फिटनेस के लिए हाँ, अपना हाँ, कर सके बेटर। कितने बच्चों को शिक्षा आप इस तरीके के दे रहे हैं? इसमें यहाँ पर आपका कम से कम 15-16 बच्चे हैं। इससे शिक्षा ये मिलती है कि पहले तो हमें डिफेंस आना चाहिए, क्योंकि आजकल की जनरेशन में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है डिफेंस आना, और सेकंड फिटनेस रहती है हमारी पूरी बॉडी। तो ये ताइक्वांडो जो है, जो जिस तरीके से आजकल बच्चियों के लिए आए दिन दिक्कतें बढ़ रही, समस्याएं बढ़ रही, तो क्या उनके लिए सुरक्षा का कवच होगा? तो क्या सीखते हैं इसमें, आपको क्या सिखाया जाता है? इसमें क्योरगी और फंसे सिखाया जाता है और डिफेंस सिखाया जाता है। कोई अपोनेंट है उसे अचानक, कोई जैसे बॉय है अचानक वो कर अटैक कर दे, तो हम उसे डिफेंस कर सकते हैं एंड फिटनेस रहती है अच्छी सी। और एक गेम है जैसे लाइक क्रिकेट फुटबॉल, इससे मेडल आगे जीते हैं और फाइट होती है, पुन से होता है ये सबसे अच्छी चीज़। इसमें क्या होती है ताइक्वांडो सीखने से, क्या बचाव किया जा सकता है? यस, बचाव किया जा सकता है। खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर ग्राम दुधिया खुर्द में युवकों पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बता दें कि कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए का दस्तक लगातार जारी है, जिसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। तो पीलीभीत में तेंदुए ने युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, जिसकी सूचना मिलते ही अब वन विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई है और लगातार अब जो जाल है उसको बिछाया गया है, ताकि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़कर वन में छोड़ दिया जाए। यूपी सरकार लगातार भू माफियाओं को लेकर सख्त है। वही राजधानी लखनऊ के कैरियर ग्रुप ने बीएफएस के जवान से प्लॉट के नाम पर 36 लाख की ठगी कर ली है। बता दें कि इंफ्रा कंपनी के कर्मचारियों ने जवान को बंधक बनाकर उससे मारपीट की और लाखों की ठगी भी कर ली, जिसकी शिकायत फौजी ने डीसीपी पूर्वी को शिकायती पत्र देकर की है। तो 5 प्लॉट बुक किया था, कुछ वीआईपी प्लान दिया था, कुल जो है 34 लाख रुपए जो है हमारे अकाउंट से उनके अकाउंट में गया है। रजिस्ट्री जो है फर्जी है और जो है वीआईपी प्लान भी वो भी फर्जी करके दिए हुए हैं। मैंने 3 साल से जो है उनसे अपनी ज़मीन मांग रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन वो मुझे घुमाए जा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। जो चेक है वो भी ऑफिस में बुला के उन्होंने हमसे छीन लिया, मेरे साथ अभद्र का व्यवहार किया, हमारे को धक्के मार के निकाल दिया, बोला जहां मर्जी रिपोर्ट करो, हम आपके पैसे नहीं दूंगा आपने। तो वहीं हरदोई के शहर कोतवाली पुलिस ने एक कार चोरी का खुलासा किया है। चोरों ने एक हफ्ते पहले बालाजी हॉस्पिटल के पास से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर दोनों कार और शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। इसी के बारे में पुख्ता सूचना मिली थी कोतवाली पुलिस को कि इसके चोर वाहन समेत निकलने वाले हैं, और पुलिस द्वारा गाड़ाबंदी करके इनको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया, जो कि उन्हें पुलिस बल पर फायरिंग की, लेकिन हिम्मत अमली से इनको गिरफ्तार किया गया। ये बबलू और राजा राम 2 अभियुक्त हैं, यहाँ के रहने वाले। लखनऊ में व्यापारियों ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को लेकर डिप्टी सीएम से बातचीत भी की है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया। डिप्टी सीएम ने अपने आवास पर हुई प्रेस वार्ता में कहा कि व्यापारी भाजपा के परंपरागत वोटर है, हर सुख दुख में सरकार इनके साथ खड़ी है। आगे डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा के शासन में बाजारों का विस्तार ही किया जा रहा है, बाजारों की सड़कें पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त भी कराई गई है, बाकी जो समस्याएं हैं व्यापारी बंधुओं की अभी भी लगातार जो व्याप्त है उनको भी जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं।
पार्षद के प्रत्याशियों को भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि लखनऊ व्यापार मंडल से हमारे रिश्ते घरेलू हैं, राजनीतिक नहीं, और जो भी ये कहेंगे, जो 13 लिखे हैं या 15 लिखे हैं, हम सभी बिंदुओं पर इनके बात करेंगे, हर संभव प्रयत्न करेंगे कि इनके काम हो। और ये लिखा पढ़े की बात नहीं है, हृदय की बात है। मान लीजिए 15 से अतिरिक्त है तो नहीं करेंगे, हम 15 से अतिरिक्त भी करेंगे। कभी कोई इमरजेंसी सेवा है वो भी हम आप ही के लिए तैयार हैं और परिवार की तरह हैं। लखनऊ में हमारे व्यापारी समाज से घरेलू रिश्ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि हम पॉलिटिकली उनको हाँ या ना करें। और ये एक विषय आदरणीय अमरनाथ मिश्र जी ने रखा है, ये चूंकि व्यापार संगठन चलाते हैं तो संगठन की दृष्टि से इन्होंने रखा। आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और लखनऊ व्यापार मंडल को भरोसा दिलाता हूँ पूर्व की भांति हम इनके साथ हमेशा खड़े रहे। संभल में निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार प्रसार अब खत्म हो गया है। हर कोई चुनाव प्रचार में जी तोड़ मेहनत करता हुआ भी दिखाई दिया था, जिसके चलते बसपा नेता ने नुक्कड़ सभा के साथ साथ जगह जगह वोटों की अपील करते हुए लोगों से 4 तारीख को वोट देने के साथ ही शहर विधायक पर जमकर हमला भी बोला है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां बुजुर्ग की मौत के बाद उसके शव को कब्रिस्तान में दफनाने से मना किए जाने से नाराज ग्रामीण आक्रोशित हो गए और इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी आवास के सामने शव रखते हुए प्रदर्शन किया और नारेबाजी करने लगे। वह इस दौरान प्रदर्शन करने से एक लंबा जाम लग गया। पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र रसूलपुर गांव का बताया गया। तो नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी अब थम सी गई है। वह प्रचार थमने पर देवरिया में प्रत्याशी किस्मत आजमाने में जुटे हुए हैं। बात की जाए नगर चुनाव की तो 4 मई को चुनाव होने हैं और 13 मई को किसके सर पर ताज होगा ये देखना दिलचस्प होगा। सदर सीट की बात की जाए तो 2 बार से लगातार चेयरमैन दही अलका सिंह इस बार भी भाजपा से दावेदारी पेश करती हुई नजर आई और अपना दमखम जुटाने में दिख रही है और प्यार हासिल किया है। उत्तर प्रदेश भयमुक्त, अपराध मुक्त और विकास के पथ पर अपना एक इतिहास लिख रहा है। ऐसे परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का एक कोना, एक हिस्सा देवरिया जनपद भी है, तो मैं बहुत मजबूती के साथ कह सकता हूं कि देवरिया से चेयरमैन पद के लिए अलका सिंह जी का निर्वाचित होना तय है। और 4 नंबर जो कठनैया वार्ड है, यहाँ से रानू सिंह निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे और जनता ने मन बना लिया है। और यहाँ का जो भी समस्या है, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रानू सिंह को जब मोहब्बत मिलेगा, प्यार मिलेगा और ताकत मिलेगी और यहाँ से पार्षद होंगे तो देवरिया के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उस। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।